नागपुर शहर में बीते दो दिनों से रुक रुक के बारिश हो रही है, मगर शुक्रवार की सुबह दो घंटे तक आई बारिश उत्तर नागपुर के कुछ परिसर के लिए आफत की बारिश साबित हुई है। उत्तर नागपुर के MIG LIG कॉलोनी सहयोग नगर टेकानाका परिसर में शुक्रवार को कुछ देर हुए बारिश से घरों के सामने और घरों में पानी जमा हो गया। शुक्रवार की सुबह नागपुर शहर में थोड़ी देर अच्छी बारिश हुई, मगर इतनी भी नहीं हुई कि लोगों के घरों में पानी चले जाए। नागपुर शहर में ऐसे कितने क्षेत्र होंगे जहां ऐसी परिस्थिति होंगी। आज की यह स्थिति समाज सेवक नरेंद्र इंगड़े ने उजागर की है। लोगों की समस्या समझते ही नरेंद्र इंगड़े वहां पर पहुंचे और लोगों से बात की। उन्होंने वहां से एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने वहां की परिस्थिति बताई। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं नरेंद्र इंगड़े MIG कॉलोनी में आया हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले तो ये पानी तो अभी कम हो चुका है, यहाँ तक पानी था। और यहाँ से अगर गाड़ी का आना जाना अगर हो रहा था तो सबके घर में पानी जा रहा था और सभी के घर में पानी गया हुआ है। और सभी के घर में सामने से तो कहते जो रोड का पानी हो तो जा रही है, पर जो गडर से रिटर्न पानी भी आ रहा हुआ है। अभी हमने दो तीन जगह देखे पानी घर के अंदर यहाँ तक है और पानी तो जा रहा है, उसके साथ अगर कीड़े मकोड़े सांप बिंचू जो भी है वो जा रहा है। और ये समस्या आज से नहीं है, जैसे अंकल ने बताया मुझे, कुकरेजा अंकल ने, कुकरेजा ही ना मां, कुकरेजा अंकल ने मुझे बताया 69 से यहाँ पे रह रहे हैं और 25-30 साल से ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती ही जा रही है और आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। बस आश्वासन दिया है कि भैया ये समस्या सॉल्व कर देंगे, चाहे वो इलेक्शन के वक्त आए होंगे कोई उम्मीदवार या कोई किसी कार्यक्रम वश आए होंगे, ये समस्या सॉल्व कर देंगे। पर अभी तक वो समस्या सॉल्व नहीं हुई है। और गडर का पानी और ये जो बाहर का पानी, यानी गडर का ही पानी है, ये गडर में अगर नहीं जा रहा है तो गडर से बाहर ही आ रहा है, तो ये गंदगी का पानी घर में आ रहा है। अगर जो भी है यहाँ पे उत्तर नागपुर का आमदार, अगर उसके घर में भी ऐसा पानी अगर जाता है उनके घर में, तो क्या रह पाएंगे वो लोग? रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। पर हमारे को जो प्रतिनिधि चुन के दिए हम सभी लोगों ने चुन के दिए, हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि भैया उनकी समस्या हल होनी चाहिए, पर ये आज तक नहीं हुई है। हमारे, मैं नितिन राउत जी से कहना चाहता हूँ कि 4 टर्म हुआ आमदार रह चुके, पर कभी भी उन्होंने कभी प्रशासन के ऊपर प्रेशर डाल के कभी समस्या सॉल्व की है? नहीं की हुई है। और कभी यहाँ तक आके देखा है? कभी नहीं। जब भी ऐसा पानी उन्हीं आता है या किसी को फोन करो, किसी लीडर को, तो फोन क्या रहता है? स्विच ऑफ रहता है या बंद हो जाता है ना? तो इसका निवारण कौन करेगा? अगर गलती से अगर काकू के घर में अगर पानी यानी गया, पर अगर सांप अगर चले गया या बिच्छू चले गया, काट गया और कुछ हो गया, उसका दुर्घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा, है ना? जो भी रहेगा वो प्रशासन रहेगा। अब प्रशासन रहेगा कि हमने जो प्रतिनिधि चुन के दिया है, क्योंकि अगर उत्तर नागपुर से अगर हमने किसी आमदार को चुन के दिया है तो पहला नागरिक कौन रहेगा? उत्तर नागपुर का आमदार। उसके बाद नगर सेवक भी रहेगा, नगर का है तो नगर सेवक रहेगा। पर अगर नगर सेवक, जैसे अभी मैंने बात किया हूँ, पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं, वो 5 साल मिला है, मैंने इसलिए आमदार की बात किया हूँ कि 20 साल रह चुके हैं, वो 4 बार रह चुके हैं, ठीक है? तो ये अभी हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे और आमदार के पास भी जाएंगे, नगर सेवक के पास भी जाएंगे हम लोग एप्लीकेशन लेके, और ये जल्द से जल्द समस्या का निवारण करके चाहिए हमें। नहीं तो ये पब्लिक है, और ये गाना सुनाऊंगा आपने कि ये बात पब्लिक है, ये जानती है और कुछ भी कर सकती है, ठीक है? अगर ये अपने इस पे आया तो फिर समझ लो जो ऐसे नहीं जानते तो फिर ऐसे भी जान सकते हैं। तो ये समझने की जरूरत है प्रशासन को और सभी को, ठीक है? इतना ही बोल के मैं आह्वान करता हूँ उन सभी नेताओं को कि ये समस्या अगर हल नहीं हुई तो हम लोग आने वाले समय में क्या करेंगे उसको हम बता नहीं सकते। इतना ही बोल के मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ, और बाकी कुछ लोगों को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है आपको? सालों से पानी आ रहा है, कुछ पानी का कुछ करो, बरसात का, गटर का, सब पानी आ रहा है। यही बोल के अभी देखो कैसा है, वो अपने मन में ही बड़े परेशान है। मैंने देखा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मैं जब आया यहाँ पे सभी शांत थे, अपने घर का पानी निकाल रहे थे, और कितना दुख हो रहा होगा ये आप यानी उन लोगों से ज्यादा कोई और जान नहीं सकता। हम तो यहाँ पे जब काम रहे मोटर से पानी निकाला, जब घर का मोटर से पानी जिसके घर में मोटर है मोटर से पानी निकाला, जिसके घर में मोटर ही नहीं है तो फिर क्या हाथ से निकाले होंगे? हाँ, घर के अंदर गए पूरे बदबू आ रही है,
ये बदबू में वो पानी निकल रहा है और रहना भी वापी है, पूरा गटर का पानी है, पूरा गटर का पानी है पूरा। ठीक है, इतना ही बोल के हवा ने आपको कि ये चेतावनी है या धमकी है ये समझ लो आप, ये समस्या का निवारण होना चाहिए, इतना ही बोल के पूछअप करूंगा। जय हिंद, जय बालाजी, शिवाजी जय कुल। नरेंद्र इंगड़े ने कहा कि शहर में ऐसी परिस्थिति जगह जगह पर है, नागपुर महानगर पालिका और स्थानीय विधायकों ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र इंगड़े जैसे समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझने वाले लोगों के कारण ऐसी सामान्य लोगों की परिस्थिति सामने आती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।